हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आपका बिहार स्टेट फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम परसों यानी 9 तारीख शनिवार को है। आप जल्दी से जल्दी रिवीजन कीजिए। मैं 10 प्रैक्टिस सेट, मॉडल सेट, 100-100 क्वेश्चंस का, 1000 क्वेश्चंस का आपके पास लेके आई हूँ, जिसमें से यह दूसरा मॉडल सेट है। 100 का 200 कल 10 बजे तक मैं कंप्लीट कर दूंगी। तो दोस्तों, देर न करते हुए, टाइम आपके पास थोड़ा भी नहीं है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, मासिक धर्म रुकने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें ये देखना है आपको कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो हार्मोनल असंतुलन होता है, उसमें स्ट्रेस हो जाता है, चिंता हो जाता है, मन नहीं लगता है, गर्भ निरोधक, मासिक धर्म की अनुपस्थिति हमेशा एक सक्रिय गर्भावस्था का संकेत देती है। तो ये तीनों सत्य हैं, बट आपका ऑप्शन नंबर 2 एंड्रोमेट्रियस का बहना, ये आपका राइट नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कि निम्न में से कौन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का कार्य है। तो यह किसका कार्य है? यह कार्य है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का कि कार्पस ल्यूटियम का गठन और रख रखाव इसका कार्य होता है। मैं खाली क्वेश्चन का आंसर देते जाऊंगी, एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है क्योंकि मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी। कीनन स्टेडियम स्थित है दोस्तों, कीनन स्टेडियम कहाँ पे स्थित है आप रिविजन कर लीजिए बस। कीनन स्टेडियम स्थित है चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई में। नेक्स्ट है, ओलंपिक प्रतीक में चक्रों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 5 चक्र होते हैं, नीला, पीला, काला, हरा, लाल, और ये पांचों 5 महाद्वीप के प्रतीक है। नीला जो है यूरोप महाद्वीप का प्रतीक, पीला एशिया महाद्वीप का प्रतीक, काला अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक, हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक, लाल अमेरिका महाद्वीप का प्रतीक। याद रखिएगा, ये पांचों दुनिया की एकता को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ओलंपिक का लक्ष्य यानी मोटो क्या है? तो इसका लक्ष्य है फास्टर हायर स्ट्रांगर। क्या है? फास्टर हायर स्ट्रांगर, यहाँ पे राइट होगा। सीटियस अल्टियस फोर्टियस यानी फास्टर हायर स्ट्रांगर यानी और तेज और ऊंचा और बलशाली। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों फास्टर हायर स्ट्रांगर यानी सीटियस अल्टियस फोर्टियस के अलावा चौथा शब्द जुड़ गया है कम्युनिटर, जिसका अर्थ होता है टूगेदर, एक साथ चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक मशाल सर्वप्रथम कब जलाया गया था? तो 1928 एमस्टर्डम ओलंपिक में जलाया गया था। कब जलाया गया था? 1928 एमस्टर्डम ओलंपिक में जलाया गया था सबसे पहले ओलंपिक मशाल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि किसे वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया है 2022 में मैकलाग्लिन लेवरोन एंड मोंडो डुप्लाटिन्स, इन दोनों को दिया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 1 और 2 दोनों राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि किसी एथलीट द्वारा व्यवहार उपस्करों में से किसकी लंबाई मात्र 2.5 सेंटीमीटर ही होती है? तो शू, ग्लो, स्पाइक, इनमें से किसी की नहीं होती है। एंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 वर्ष की आयु में क्रिकेट दल का कप्तान होने का सौभाग्य 2 भारतीय खिलाड़ियों को प्राप्त है, उनमें से एक पटौदी है, दूसरे कौन है? दोस्तों, 21 वर्ष से कम उम्र में भारतीय दल का कप्तान होने का जो सौभाग्य प्राप्त है पटौदी को प्राप्त है, दूसरा कौन है? वो है सचिन तेंदुलकर। कौन है? सचिन तेंदुलकर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खिलाड़ियों को नमक अधिक लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए? क्योंकि पसीना अधिक चलने की वजह से शरीर में नमक की मात्रा कम हो जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त अल्पता व रक्तगत अव्यवस्था का कारण होता है? तो यह विटामिन B12 के कारण होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू कप किससे जुड़ा हुआ है? तो नेहरू कप जो है वह जुड़ा हुआ है किससे दोस्तों? नेहरू कप जुड़ा हुआ है फुटबॉल से, और नेहरू ट्रॉफी कहेगा तो हो जाएगा हॉकी से, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपिंग क्रीज किससे जुड़ा हुआ? तो क्रिकेट से, आप सबको पता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजी ट्रॉफी किससे जुड़ा हुआ है? तो हॉकी से जुड़ा हुआ है। किससे? बिजी ट्रॉफी क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, सॉरी, किससे जुड़ा हुआ है? क्रिकेट से जुड़ा हुआ है बिजी ट्रॉफी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है नई दिल्ली में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 का टेनिस में डेविस कप जीतने वाला देश है?
तो 2022 का टेनिस में डेविस कप जीतने वाला देश कौन सा है, वो है कनाडा। कौन है? कनाडा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा दुनिया का पहला नोजल कोविड वैक्सीन कंपनी किस कंपनी द्वारा तैयार किया गया है, तो वह तैयार किया गया है आपका भारत बायोटेक। किसके द्वारा तैयार किया गया है? भारत बायोटेक के द्वारा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की गति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेस्थेटिक ऊर्जा कहलाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रोटीन का पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन दोस्तों उदर यानी स्टोमच, अमाशय और छोटी आंत में दोनों में होता है। संतोष ट्रॉफी जुड़ा हुआ है, तो संतोष ट्रॉफी किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, बट यहाँ पे ऑप्शन अलग अलग दिया है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप से कि राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप से। तो 1941 में प्रारंभ हुआ संतोष ट्रॉफी या राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय नहीं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इनसाइड ट्रैक इनमें से किसकी आत्मकथा है, तो इनसाइड ट्रैक इनमें से कार्ल लेविस की आत्मकथा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 एटीपी फाइनल्स एकल का खिताब किसने जीता, तो यह जीता नोवाक जोकोविच ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल खेलने से आत्मज्ञान की प्राप्ति ज्यादा सुगमता से होती है, इस कथन को किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने कहा है, आप सबको पता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फुटबॉल के खेल में मैच मेकर होता है, तो फुटबॉल के खेल में मैच मेकर कौन होता है? मिडफील्ड प्लेयर होता है, मिडफील्ड प्लेयर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एमसीसी के रंग होते हैं, एमसीसी मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब, इसके रंग होते हैं लाल और पीला। कैसे होते हैं? लाल और पीला, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि टू हेल विद हॉकी इनमें से किसकी आत्मकथा है, तो टू हेल विद हॉकी जो है आत्मकथा है असलम शेर खां हॉकी खिलाड़ी की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा विश्व कप के 5 संस्करणों में गोल करने वाले इतिहास के पहले पुरुष खिलाड़ी कौन है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट है दोस्तों हॉकी वर्ल्ड कप आरंभ करने वाला देश कौन है, तो वो है आपका, इसमें हॉलैंड दिया है बट आंसर बट एक बुक में दिया था पाकिस्तान, इसको क्लियर कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इनमें से कैल्शियम की प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत कौन है, तो वो है दूध है, सबसे ज्यादा दूध में पाया जाता है कैल्शियम, जो कैल्शियम और फास्फोरस हमारे हड्डियों और दांतों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। नेक्स्ट है दोस्तों शरीर में लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग है, तो कौन है? रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया रोग हो जाता है रक्त की कमी से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं में से, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन सा कप महिला बैडमिंटन विश्व कप प्रतियोगिता में प्रदान किया जाता है, तो उबेर कप किया जाता है महिला के लिए एंड थॉमस कप किया जाता है पुरुष के लिए, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सबसे कम कैलोरी प्रदान करने वाला खाद्य पदार्थ कौन है, तो वो है पनीर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थी की अधिक से अधिक कितनी आयु होनी चाहिए, तो भी 28 वर्ष होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्वेश्चन नंबर 83 है, अब क्वेश्चन नंबर 84 आएगा, देखते हैं कहाँ पे है। हाँ तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक नॉकआउट टूर्नामेंट भाग लेने वाले कुल दलों की संख्या 14 है, तो फाइनल मैच में मिलाकर कितने मैच खेले जाएंगे, तो टीमों की संख्या कितनी है? 14 है। मैच कितने खेले जाएंगे, तो मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है n-1 यानी 14-1 यानी 13 होंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ली गई सांस में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितना होता है, दोस्तों वायुमंडल में 78% ऑक्सीजन नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इतने ही मात्रा में जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर जाता है, तो ऑक्सीजन की भी कितना जाएगा? 21%। लेकिन वापस आते समय ऑक्सीजन आता है 16%, कार्बन डाइऑक्साइड 4.04% एंड नाइट्रोजन 78% पूरा वापस आ जाता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से जल के संक्रमण से फैलने वाली बीमारी कौन सी है, तो वह है पेचिस, जो
प्रोटोजोवा एंड अमीबा हिस्टिडिटिका के द्वारा फैलता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में खुले प्रथम शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का क्या नाम है? तो वो है YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास, जो 1920 में अमेरिका से आए हुए SC बक ने किया था। इसके पहले अध्यक्ष भी बने SC बक, और SC बक को भारत में शारीरिक शिक्षा का पितामह भी कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? तो सर्वोत्तम कोच को दिया जाता है, जो 1985 से शुरुआत हुआ। इसमें कितना धनराशि दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड में? तो द्रोणाचार्य अवार्ड में धनराशि दोस्तों दिया जाता है 15 लाख। याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख, एंड अर्जुन पुरस्कार द्रोणाचार्य में 15 लाख, लेफ्ट एंड ध्यानचंद पुरस्कार में 10 लाख पुरस्कार दिया जाता है, एंड मौलाना अबुल कलाम आजाद में 15 लाख दिया जाता है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवार नियोजन को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो परिवार नियोजन को वर्तमान में जाना जाता है प्रजनन और बाल स्वास्थ्य देखभाल। क्या जाना जाता है? प्रजनन एंड बाल स्वास्थ्य देखभाल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोपिंग परीक्षण में किसकी जांच की जाती है? तो रक्त और मूत्र की जांच की जाती है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध के कारण आयोजित न होने वाले ओलंपिक क्रीड़ा प्रतियोगिताएं कौन है? दोस्तों 16, 40, 44, ठीक है, 6वीं, 12वीं और 13वीं। ये तीन ओलंपिक युद्ध के कारण नहीं हुआ था, प्रथम द्वितीय युद्ध के कारण, जो 1916 का था प्रथम, 6वीं ओलंपिक प्रथम युद्ध के कारण नहीं हुआ था, एंड 1940, 1944 12वीं, 13वीं द्वितीय विश्व युद्ध के कारण नहीं हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा, 16वीं या 13वीं। 91 क्वेश्चन है, अब 92 पे चलते हैं। कहाँ है 92? यहाँ है, ठीक है, चलते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन है दोस्तों कि 1990 एशियाड में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या कितनी है? तो 1990 में एशियाई खेल में भारत ने कितना स्वर्ण पदक जीता था? तो भारत ने 11 स्वर्ण पदक जीता था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1996 में ओलंपिक क्रीड़ा प्रतियोगिता अटलांटा में हुआ था, वो कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में है। एंड दोस्तों नेक्स्ट है, चकोला गोल्ड ट्रॉफी संबंधित है, तो चकोला गोल्ड ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बूस्टर किससे संबंधित है? आपको पता है वॉलीबॉल से हम बूस्ट करते हैं तो दूसरा खिलाड़ी उसको उठा अपना पकड़ बनाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स शरीर के किस भाग पर आक्रमण करता है? तो एड्स जो है शरीर के रोग प्रतिरोधक इम्यूनिटी पावर पर आक्रमण करता है। नेक्स्ट है, अमीबाइसिस हेतु उत्तरदायी जीवाणु किस प्रकार मानव जीव शरीर में प्रविष्ट करते हैं? तो यह करता है कैसे? स्पर्श के माध्यम से। नेक्स्ट दोस्तों, मलेरिया रोगाणु के पाए जाते हैं किसमें? मादा एनाफिलीज मच्छर में। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, क्यूलेक्स मच्छर से फाइलेरिया, एंड एरिज एरिचाई मच्छर से डेंगू होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट गेंद का वजन कितना होता है? दोस्तों 155.9 से 163 ग्राम होता है। इस किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 600 कि प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल में किन समस्याओं के लिए डॉक्टर की सहायता की आवश्यकता होती है? तो इसके ऑप्शन की तरफ चलते हैं, तो किसकी सहायता की आवश्यकता होती है? एसिडिटी, गर्भधारण, प्रसव, गर्भपात, गर्भ निरोधक, बांझपन, मासिक धर्म की समस्या, इन सभी की देखभाल करने की आवश्यकता होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 101, एथ्रोसाइट, लीकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट पाए जाते हैं? तो दोस्तों यह रक्त में पाया जाता है, रक्त कणिका जो है, जैसे कि रक्त दो प्रकार का होता है, रक्त प्लाज्मा जो 50 से 55% भाग पाई जाती है, और 40 से 45% भाग आपका रक्त कणिका पाई जाती है। रक्त कणिकाएं तीन प्रकार की होती हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। RBC को वैज्ञानिक भाषा में एरिथ्रोसाइट, WBC को लीकोसाइट एंड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, ग्लाइकोजन के भंडार हेतु उत्तरदायी है, जो हम खाना खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर के जो अतिरिक्त होता है उसको लीवर में भंडारित हो जाता है, तो लीवर आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, श्वेत रक्त कणिका का दूसरा नाम क्या है? तो श्वेत रक्त कणिका का दूसरा नाम है लीकोसाइट, RBC का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट,
एंड प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अनुवांशिक विशेषताएं रक्त वर्ग, त्वचा के रंग, बाल, मानसिक दक्षता आदि का निर्धारण करती हैं, वे कोशिकाओं के अंदर मौजूद कतिपय सूक्ष्म कणों द्वारा नियंत्रित होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? जीन। जीन जो है अनुवांशिकता का वाहक होती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विशेषताओं को ले जाती हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूरे शरीर में रक्त को पंप करने वाले हृदय के अंग का क्या नाम है? तो जो शुद्ध रक्त फेफड़ों, जो पल्मोनरी धमनी जो है, बाएं दाएं नीले से अशुद्ध रक्त को ले जाती है फेफड़े में शुद्ध करने के लिए, फिर फेफड़े में शुद्ध होकर के पल्मोनरी वेन यानी पल्मोनरी सीरा के रास्ते बाएं अलिंद में जाता है, बाएं अलिंद से बाएं नीले में, बाएं नीले से एओर्टा यानी कि महाधमनी में जाता है, और महाधमनी से समस्त शरीर को पंप कर दिया जाता है। तो कहां पूरे शरीर को पंप करने वाले हृदय के अंग का क्या नाम है? एओर्टा, ऑप्शन नंबर 4, महाधमनी यानी महाधमनी, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन है? तो वह डुरंड कप। क्या है? डुरंड कप। पहले शिमला में होती थी, अब दिल्ली में होता है। नेक्स्ट है, बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? बैडमिंटन नेट की ऊंचाई किनारों पर 5 फीट 1 इंच यानी 1.55 मीटर होता है, एंड बीच में 5 फीट केवल होता है, 1.525 मीटर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्पोर्ट्स म्यूजियम अवस्थित है, तो स्पोर्ट्स म्यूजियम कहाँ पे अवस्थित है? तो यह पटियाला में स्थित है। कहाँ पे? पटियाला में। ये हो गया 108 क्वेश्चन। 109 क्वेश्चन कहाँ है देखते हैं, तो 109 क्वेश्चन यहाँ पे है। तो क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार आरंभ किया गया था कब दोस्तों? 1961 में। यह प्रत्येक चार वर्ष में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है? पिछले 4 वर्षों में विभिन्न खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है, जिसको 15 लाख रुपए धनराशि दिया जाता है पुरस्कार स्वरूप। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस जो है वह मनाया जाता है 19 नवंबर को। एंड नेक्स्ट है थ्री सेकेंड्स रूल किससे जुड़ा हुआ है? आप सबको पता है बास्केटबॉल से जुड़ा हुआ है, जो प्रतिबंधित क्षेत्र होता है वहाँ पे 3 सेकेंड से ज़्यादा आप नहीं रुक सकते। एंड नेक्स्ट हो चाहे खो खो में क्रॉस लेन जो होती है कितने होते हैं? तो 8 क्रॉस लेन होते हैं, आप सबको पता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट एक पारी में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी का क्या नाम है? तो वो है आपका गारफील्ड सीबर्स। क्या है? टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? गारफील्ड सीबर्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वेम्बले स्टेडियम लंदन जुड़ा हुआ है, तो वेम्बले स्टेडियम लंदन जो है वो फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, किससे? फुटबॉल से। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन फीडे जुड़ा हुआ है, तो फीडे शतरंज की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो इसको संचालित करती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वें एशियाड खेल जो 1982 नई दिल्ली में हुआ था, ईसाई खेल का प्रारंभ 1951 में नई दिल्ली में हुआ था, दूसरी बार नई दिल्ली में हुआ था, 9वें बार 1982 नई दिल्ली में भारत में। तो भारत ने किस खेल में सभी पदक जीते थे? तो वो था आपका घुड़सवारी था, बट यहाँ पे मुक्केबाजी दिया हुआ है, इसमें भी कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, या हम लोग घुड़सवारी पढ़े हुए हैं पहले से, बट इसमें मुक्केबाजी दिया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सबसे कम उम्र में टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी का क्या नाम है? तो सबसे कम उम्र में टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी का नाम है सचिन तेंदुलकर। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक पारियां खेलने वाले खिलाड़ी का नाम है? तो सर्वाधिक पारी खेले हैं एलेन बार्डर। एंड ए 118 है, 119 क्वेश्चन देखते हैं कहाँ पे है दोस्तों, 119 क्वेश्चन यहाँ पे है। IVF तकनीक में जाइगोट या अर्ली भ्रूण को किसमें स्थानांतरित किया जाता है? तो यह दोस्तों गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण की वह बीमारी जिसमें त्वचा पर खुजली युक्त गोल गोल धब्बे उभर आते हैं उसे दाद यानी कि रिंग वार्म बोलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि खास वजन यानी खांसी, वजन में कमी, बुखार जैसे लक्षण हुए हैं किसमें होता है? ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी में होता है, जिसे क्षय रोग भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
बच्चों का पर्याप्त कैल्शियम और विटामिन डी युक्त भोजन प्रदान करना चाहिए, क्योंकि उन्हें कौन ना हो पाए, तो छोटे बच्चों में रिकेट्स होता है याद रखिएगा, और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया ऑस्टियोपोरोसिस होता है। यहाँ पे बच्चों में पूछा है रिकेट्स होगा, ऑप्शन नंबर एक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन टिटनेस से सुरक्षा प्रदान करता है, तो टिटनेस से सुरक्षा प्रदान करता है टिटनेस टॉक्सॉइड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से दूध का प्रोटीन जातीय तत्व क्या होता है, तो वह होता है केसीन, जो दूध को दही में बदलता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिपल जंप कहाँ से आरंभ हुआ, तो ट्रिपल जंप जो है स्कॉटलैंड से आरंभ हुआ, कहाँ से, स्कॉटलैंड से इसका आरंभ हुआ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सबसे छोटा ट्रैक इवेंट कौन सा है, जिसके लिए आधिकारिक तौर पर विश्व कीर्तिमान की स्वीकृति प्रदान की जाती है। जैसे कि आप सबको पता है पुरुषों के लिए 100 मीटर रेस जब होता है तो पूरा वर्ल्ड देखता है कि कौन इसे फर्स्ट आएगा। एंड 126 है क्वेश्चन, 127 कहाँ है, 127 आपका है यहाँ पे, तो देखते हैं 127वां क्वेश्चन। वॉलीबॉल कोर्ट की माप कितनी होती है, आप सबको पता है 18x9 मीटर होती है लंबाई चौड़ाई। एंड नेक्स्ट है कबड्डी मैदान की माप कितनी होती है, तो पुरुषों के लिए 13x10 होती है और महिलाओं के लिए 10x8 12x8 ठीक। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सेक्स एजुकेशन के नुकसान कौन कौन से हैं, यहाँ पे आप इसको आंसर सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन देने वाले शिक्षक विशेषज्ञ नहीं होते, बच्चों को कभी कभी बहुत गलत तरीके से भ्रामक यौन शिक्षा देते हैं, जिसके कारण बच्चों को मस्तिष्क पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है, बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है। यौन शिक्षा वास्तव में कोई आसान काम नहीं होता है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कक्षा में लैंगिक समानता बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए क्या चाहिए, कि लड़के और लड़कियों को समान अवसर प्रदान करें, दोनों को समान व्यवहार से देखें। नेक्स्ट है दोस्तों मिल्खा सिंह जुड़े हुए हैं, तो यह 400 मीटर दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, 400 मीटर दौड़ के लिए। नेक्स्ट है किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम का समन्वय करता है, तो कौन करता है किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम का समन्वय, तो NCERT ठीक है, कौन करता है NCERT। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत में सबसे पहले मध्याह्न भोजन की शुरुआत कब हुई, तो भारत में सबसे पहले मध्याह्न भोजन की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुआ। 133 क्वेश्चन है, अब देखते हैं 134 क्वेश्चन कहाँ है, तो यहाँ है आपका 134 क्वेश्चन है। इंग्लैंड में जिस खास दिन से टेस्ट श्रृंखला शुरू होती है वह दिन है, तो वह दिन कौन होता है, जून का प्रथम बृहस्पतिवार। नेक्स्ट दोस्तों शाहिद अफरीदी द्वारा बनाया गया सबसे तेज शतक कौन था, शाहिद अफरीदी द्वारा बनाया गया सबसे तेज शतक बना था, तो किसने बना था, 37 गेंदों में। नेक्स्ट है बच्चों को एक दिन में कितना मिनट पेट के सहारे लेटना चाहिए, तो बच्चों को एक दिन में 15-20 मिनट जो है पेट के सहारे लेटना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों शिशु को जन्म के बाद पहले कितने महीनों तक केवल माँ का दूध पीना चाहिए, आप सबको पता है 6 महीने तक। नेक्स्ट इनमें से कौन दुर्घटना अध्ययन का उद्देश्य नहीं है, तो मौजूदा डिजाइन का मूल्यांकन करने के लिए है उद्देश्य, वित्तीय नुकसान की गणना करने के लिए भी उद्देश्य है, दुर्घटनाओं के मूल कारणों का अध्ययन करेंगे तभी तो जानेंगे कि हम दुर्घटना को रोक पाएंगे, और संभावित स्थान पर सुधारात्मक उपायों को प्रस्ताव करना, ये सभी है दुर्घटना के अध्ययन से का उद्देश्य। बट आपका क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 4 जो है पार्किंग की मांग के संबंध में डेटा एकत्र करना ये नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सी दुर्घटना अध्ययनों में रिपोर्टिंग के तरीके हैं, तो कौन से हैं वो, मोटर चालक दुर्घटना रिपोर्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा को कहा जाता है, तो प्रारंभिक शिशु देखभाल और शिक्षा को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ECCE। एंड नेक्स्ट है किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव और तूफान तथा विरोध की अवस्था, इस बात को किसने कहा था, दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेनली हाल ने कहा था किशोरावस्था को संघर्ष की अवस्था, तनाव की अवस्था, तूफान की अवस्था, विरोध की अवस्था, किसने कहा था, स्टेनली हाल ने। 141वां क्वेश्चन है, 142 कहाँ है आपका, यहाँ है। एंड क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है, तो बाल्यावस्था को तूफान आदि तूफान की अवस्था कहा है,
किसने? स्टेनली हाल ने। जबकि संवेगात्मक अवस्था अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा है, किसने कहा है दोस्तों? कोल एंड ब्रूस ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व बचपन से तात्पर्य है, तो पूर्व बचपन से तात्पर्य होता है पूर्ववर्ती अवस्था। नेक्स्ट है, किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जो लगभग कितने साल की होती है? 13 से 19 वर्ष के साल को हम अवस्था को कहते हैं किशोरावस्था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर की स्वच्छता से संदर्भ में विशेष सत्य पर विचार करें, तो क्या है शरीर की स्वच्छता संबंध में? बच्चों को हाथ धोने की आदत सिखाना चाहिए, यहाँ पे यही सत्य है और सब निगेटिव पॉइंट दिया हुआ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षित सेक्स के दौरान क्या करना चाहिए? आप सबको पता है ऑप्शन नंबर बी, कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चिकित्सकीय सतर्कता के संदर्भ में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो यहाँ पे ड्रेसिंग का, दवा का, साफ सफाई का, उपरोक्त सभी का यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। एंड नेक्स्ट है, किन्हीं में से कौन एक मच्छर जनित बीमारी नहीं है? तो दोस्तों फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है, मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, डेंगू एडीज एडविचाई मच्छर से काटने से फैलता है, जबकि नींद की बीमारी नहीं होती है मच्छर जनित। एंड नेक्स्ट है, वायरस नामक रोगाणुओं से फैलने वाला रोग है, तो वायरस नामक रोगाणु से फैलने वाला रोग है कौन? यहाँ पे टिटनेस पायरिया जो है, टिटनेस जो है आपका जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है, पायरिया, मलेरिया, प्रोटोजोआ से। एंड यहाँ पे पूछा क्या है? वायरस से, तो वायरस कौन हो जाएगा? चेचक। वायरस से कौन फैलता है? चेचक, वेरिवेला वायरस से, ठीक है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50वां क्वेश्चन है, यहाँ पे हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कवक से होने वाला संक्रामक रोग है? तो कवक से दोस्तों यानी फंगल डिजीज है आपका, दमा समा जिसे कहते हैं, एथलीट फूट, ये दोनों होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, 1 और 2 दोनों। तो ये था आपका दूसरा पार्ट, मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 था। दोस्तों आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसी तरह आपका 10 पार्ट तक होगा, 2 पार्ट हो गया है, सभी पार्ट फटाफट आएंगे, आप पूरा देखते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय।